हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर फिफ्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट लार्ज नंबर्स। इन दिस वीडियो वी विल कवर एक्सरसाइज फर्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 8। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड प्लेस वैल्यू चार्ट। लुक, दिस इज योर प्लेस वैल्यू चार्ट। You can see here ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore। जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट इज सेइंग राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 4 2 6 1 9, इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको हम क्या कर देते हैं, इस नंबर को हमने पूरा पुट कर दिया है। देखिए 4 2 6 1 9, पीछे से ही करते हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड से। अब हम इसको देखेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, हमें मालूम है थाउजेंड, 10,000 या लैख, 10 लैख एक साथ पढ़े जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो अगर ये नंबर और बड़ा होता है तो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर स्टॉप हो गया है। तो थाउजेंड और 10,000, देखिए 42,000, 6 का प्लेस जो है वो 100 पे, तो 600 और 1 and 9 यानी कि 10s और 1s, तो ये हो गए 19, 42,619। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका भी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो 4 1 5 6 2, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना रहता है, इसके जो प्लेस होता है उसका, उससे उसका नंबर निकालना रहता है, इस डिजिट का नंबर निकालना रहता है हमें। जो 2 है उसका प्लेस 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2। जो 6 है उसका प्लेस हमारा 10 है, तो उसका मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे, 6 10 ज़ा 60। और जो हमारा 5 है वो उसका प्लेस हमारा 100 है, तो 5 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 500। 1 का प्लेस जो है वो हमारा 1,000 है, तो इसका मल्टीप्लाई हम 1,000 से करेंगे, ये हमारा 1,000 हो गया। 4 का जो प्लेस है वो 10,000 है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10,000 का, ये हमारा 40,000 हो गया। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको नीचे से राइट डाउन करेंगे। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम एक पार्ट और सॉल्व करेंगे जो एफ है। इसको समझने में शायद आपको थोड़ी परेशानी हो, तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। इसको देखेंगे 9 का प्लेस कौन सा है, 1s, तो 9 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया हमारा 9। 1 का प्लेस है हमारा 10, तो 1 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया हमारा 10। 8 का प्लेस है हमारा 100, तो 8 मल्टीप्लाई 100 यानी 800। 0 का जो प्लेस है वो हमारा 1,000 है, तो 0 का मल्टीप्लाई जब हम 1,000 से करेंगे, तो हमें पता है कि 0 का मल्टीप्लाई हम जिस भी नंबर से करते हैं रिजल्ट हमारा 0 ही रहता है। अगेन 0, 0 मल्टीप्लाई 10,000, फिर से 0। 7 का जो प्लेस है वो है हमारा लैक, 7 मल्टीप्लाई 1 लैक, ये हो गया हमारा 7 लैक। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इस साइड लिख देती हूँ। जैसा मैंने बताया था, नीचे से उतारना शुरू करेंगे इसको, 7 लैक, 0 प्लस 0 प्लस 800 +10 +9, दिस इज़ योर आंसर। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड इज सेइंग राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द एन सर्किल्ड डिजिट्स। इट्स वेरी इजी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एन सर्किल्ड डिजिट है सिर्फ उसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट, 1 4 3 6 1, यहाँ पे जो 4 है वो हमारा एन सर्किल्ड है। हम देखेंगे कि 4 का जो प्लेस है वो क्या है, 1s, 10s, 100, 1,000, यानी कि हमें 1,000 से इसमें मल्टीप्लाई करना है।
जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4000, यही इसकी प्लेस वैल्यू। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज सेइंग अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके लेट्स सी, फोर्थ का ए पार्ट देख रहे हैं, 4, 2, 1, 6, 9। अब जैसे अभी हमने नंबर वर्ड्स में लिखे थे वैसे इनको अगर हम देखें तो ये हमारा 42,000 है, ये हमारा 23,000 है, ये हमारा 48,000 है और ये हमारा 21,000 है, ये हमारा 89,000 है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें इसमें वो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा इनमें नंबर देखेंगे। तो हमें क्या दिखाई देता है कि 21,000 इज स्मॉलेस्ट, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 21,693। और जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे होते हैं तो हमें ये सिंबल पुट करना पड़ता है, इसका मतलब ये है, टेल से हमें ये पता चलता है ये नंबर छोटा है और उससे आगे आने वाला नंबर बड़ा है। 21,000 के अलावा इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 23,000। इसके आगे चलेंगे तो हम देखेंगे इससे बड़ा नंबर हमारा 42,000 है, इससे और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे हमारा इससे बड़ा नंबर 48,000 है, इससे आगे जाएंगे तो 89,419। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली गई थी कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर और लिखना है, तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर और लिखेंगे हम इसका। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए इसको बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा 89,000, 419, उससे छोटा नंबर। अब यहाँ पे सिंबल जो है वो भी अपोजिट हो जाएगा क्योंकि अब हम इससे छोटे छोटे नंबर लिखने वाले हैं, तो ये हमारा 48,743, फिर इससे छोटा हमारा 42,169, फिर उससे छोटा हमारा 23,617 और उससे छोटा 21,693। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने इस पर क्वेश्चन नहीं कराए हैं वो आपको कॉपी पे सॉल्व करने हैं, एंड ऑल वर्क मस्ट बी रिटन इन फेयर कॉपी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।